इस बार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है आम आदमी के बारे में, और जो टैक्स रिबेट दी है, जो कह रहे हैं 7 लाख का रिबेट है, 5 से 7 लाख, इन शॉर्ट उन्होंने हर हर हिसाब से, हर चीज़ में, वेदर हाउसिंग है, वेदर आम आदमी का पर्सनल टैक्स है, उसमें रिडक्शन की है, तो उनको क्या होगा, उनको राहत मिलेगी उससे। अच्छा, उससे उसके हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर व्यू है कि उनका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा। टैक्स इंसिडेंस जो एवरेज मैन मिडिल क्लास सैलरीड जो है उनका टैक्स इंसिडेंस कम होगा, दैट वन थिंग इज फॉर श्योर। कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? डिपेंड अपॉन द स्लैब ना, स्लैब के हिसाब से वो फर्क पड़ेगा। जो उन्होंने कहा है कि हम टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेस है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसका सरलीकरण करेंगे, आसान तरीके से लोग कर पाए उसके लिए, वो कितनी बड़ी राहत है? नहीं वो है नहीं, कहने की बात क्या है कि वो कुछ नया अनाउंसमेंट नहीं है, वो प्रोसेस 2 साल से चल रहा है, बट इट इज नाउ गेटिंग स्ट्रीमलाइन्ड एंड बेटर। तो कोई भी अभी नया इनकम टैक्स पोर्टल बनाया, देयर वर टेक्निकल स्नैग्स, बट दैट इज नाउ गेटिंग स्ट्रीमलाइन्ड। व्हाट शी इज सेइंग कि नाउ इट विल स्टिल बिकम फास्टर। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए, आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है, और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो, हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है, ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई है, अमृतकाल महोत्सव की बात की है उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जब तक इसको और इसका गहन अध्ययन ना हो, ये चूँकि इलेक्शन है, 1 साल के अंदर में इलेक्शन है, 1 साल के आसपास है, उसका विशेष ख्याल रखते हुए किया गया है। लेकिन हाँ, कॉमन मैन के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि थोड़ी सी बहुत चर्चा करके, टचिंग करके छोड़ दिया गया है, यानी मैं समझता हूँ बहुत 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 कुछ होना बाकी है। जो भी हमारे सैलरीड लोग हैं, जो पैसे मेहनत से कमाने वाले हैं, उन सबों को टैक्स का जो सुविधा मिला है उसके कारण से आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, सभी को बहुत लाभ होगा। उससे भी बड़ा जो एमएसएमई सेक्टर्स में जो फायदे दिए गए हैं और ओवरऑल टैक्स को घटाया गया है, इससे ज़्यादा पैसे आएंगे, और ख़ास करके जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें जो अब टैक्स रिलीफ और उन सबको अलग से जो सुविधाएं दी गई हैं उसके कारण हमारे किसानों को भी लाभ होगा और सभी मध्यम दर्ज। पहला बार है कि आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी को टैक्स में छूट दी गई है। बजट में खास यही है, वो इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं। अभी चुनाव को सामने रखते हुए दूर है मिडिल क्लास इन सारे सरकार से, तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिया है, तुम्हारा भाई इनकम हम The significant part of the budget was a repetition of the presidential address and the economic survey report. But I am a believer in a low tax regime, so any tax cuts is welcome, because giving more money in the hands of the people, in my opinion, is the best way to boost the economy. But I need to look at the details before I can make an educated comment about it. जिस तरीके से आज बजट में 5 लाख से जो 7 लाख का जो बढ़ाया गया है टैक्स रिलीफ, उसमें काफ़ी स्वागत योग्य है, और ये दर्शाता है कि ये सरकार किस तरीके से हर वर्ग को लेके साथ में लेके चलती है और देश को किस तरीके से आगे भविष्य में ऊंचाइयों पे किस तरीके से लेके जाया जाए, उसके सपोर्ट में ये बजट है। धन्यवाद।